नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौ माता के बारे में। गाय हमारी माता है, यही पाठ हमने बचपन से आज तक पढ़ा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में गाय का गौ माता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण भी गौ माता की सेवा करते थे और उनका स्थान भी गौलोक बताया जाता है। कृष्ण जी का गोविंद नाम भी उनके गौ प्रेम के कारण ही पड़ा। गौ माता की महिमा अपरंपार है। हमारे शास्त्रों के अनुसार समुन्दर मंथन के समय जब ब्रह्मा जी अमृत पी रहे थे तो उनके मुख से कामधेनु नाम की गौ माता पैदा हुई। सभी जानवरों में गौ माता ही एक ऐसा जानवर है जिसके पीछे माता लगाया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। कहते हैं कि गाय का पूरा शरीर देवभूमि है, जहां 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी, गर्दन में विष्णु जी और मुख में शंकर जी का वास है और मध्य भाग में सभी देवी देवताओं का वास है। गोमूत्र में गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी और खुरों में ब्रह्मांड के पर्वतों का वास है। इस प्रकार गाय का शरीर सकल जगत का प्रतिरूप है। गाय की पूजा से मन वांछित फल मिलता है। अगर गौ माता की सेवा करें तो वो हमें घोर संकटों से बचा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गाय का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि में गाय का घी और गाय के गोबर का कंडा जलाया जाता है। कहते हैं कि एक कंडे पर एक छोटा चम्मच गाय का घी डालकर जलाने से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। इसलिए प्रदूषण को दूर करने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। गाय का गोमूत्र औषधि है जिसका प्रयोग बहुत सारी बीमारियों और दवाइयों के रूप में किया जाता है। गाय का दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण तथा वसा आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे उपयोगी दूध गाय का दूध ही है। गाय के गोबर से लीपने से स्थान शुद्ध हो जाता है। बच्चों को नज़र लग जाने पर गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़ा दिया जाता है, बच्चों की नज़र उतर जाती है। कई बार भगवान जी की गाय की पूंछ से नज़र उतारने का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। गाय का दान महादान माना जाता है। संतान और धन प्राप्ति के लिए गाय को चारा खिलाना और गाय की सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है। जब हम किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हों और घर से निकलते समय आगे बछड़े को दूध पिलाती गाय मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो निश्चित रूप में पूरा होगा। आज भी बहुत घरों में पहली रोटी गाय के नाम की निकाली जाती है। गाय हमारी माता है और गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। कई लोग गाय को पालते हैं, जब वो दूध नहीं देती तो उसको आवारा भटकने के लिए छोड़ देते हैं। लोगों को चाहिए अगर उनको गाय पालने का इतना ही शौक है तो उसकी देखभाल भी अवश्य करें। आजकल कई स्थानों पर गौशाला बनाकर गाय की देखभाल की जा रही है, पर दुख की बात तो ये है कि आज भी कत्लखानों में गाय को कत्ल करके उसका मांस निर्यात किया जा रहा है। बहुत सारी संस्थाएं इसको रोकने के लिए संघर्षरत हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि श्री प्रॉफिट मोहम्मद साहब जी भी कहते थे कि गाय दूध पीने के लिए है, मांस खाने के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर
ज़रूर करें, और जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।